देखिए श्रेया, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि कांग्रेस तमाम कार्यकर्ता इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंच गए हैं। हालांकि बैरिगेड्स करके उनको रोकने की कोशिश लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी खुद यहाँ पर मौजूद है और लगातार एकाएक पंजाब में जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाले की हत्या की गई है उसके बाद से लगातार ये मुद्दा जो है वो गरमा रहा है और लगातार यहाँ पर कांग्रेस एकाएक यहाँ पर विरोध करती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी और बैरिगेड तोड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है, विरोध जारी है। अनिल जी, लगातार मांग की जा रही है जिस तरीके से मूसेवाला की हत्या की गई है उसको लेकर के। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार भड़काने का काम करती है, केजरीवाल भड़काने का काम करते हैं वीआईपी कल्चर के नाम पे। मैं बता दूं, ये वो लोग हैं, ये महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने इस पंजाब को बनाने में बचाने में अपनी भूमिका देखी थी। सरकार सुरक्षा उनको मुहैया कराती थी, उनकी सुरक्षा विड्रॉ करना और हवाई पीटना, सिर्फ अपने भाषणों में उदाहरण देना, वीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं। तो दो बातें हैं, एक तो वीआईपी कल्चर के नाम पर आप बात करते हो, दूसरा राघव चड्ढा दिल्ली से 70-80 सुरक्षा गार्ड पंजाब से लेके बैठा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री सुरक्षा गार्ड लेके बैठे हैं। ये क्या दर्शाता है? करोड़ों रुपए की लैंड क्रूजर गाड़ी में आप चलते हैं, ये क्या दर्शाता है? और दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण लोग जिनका पंजाब में, पंजाब को बनाने में योगदान है, वो तमाम दल के राजनीतिक लोग हो सकते हैं, वो धार्मिक लोग हैं, हमारे जत्थेदार लोग हो सकते हैं, अकाल तख्त के लोग हो सकते हैं, किसान है, युवा है, खिलाड़ी हैं, आर्टिस्ट हैं, ये वो महत्वपूर्ण लोग हैं साहब जिनको कांग्रेस बचाती थी, सुरक्षा देती थी, ये उन पर भड़काते थे लोगों को। आज पहली बलि सिद्धू मूसेवाले के रूप में इन्होंने चढ़वा दी। तो यह जांच, तो जांच का विषय तो है, लेकिन जितने दोषी अपराधी हैं, मैं समझता हूँ सुरक्षा घटाने वाला भी उतना ही बड़ा दोषी है, कठपुतली मुख्यमंत्री भगवत मान दोषी है, अरविंद केजरीवाल दोषी है। वीआईपी सुरक्षा हटाना ये लगातार आम आदमी पार्टी के एजेंडे में रहा है, और उसमें गलत क्या? अगर वीआईपी सुरक्षा अगर हटती है तो उसमें गलत क्या है? सर, वीआईपी कल्चर खत्म करने की, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अरविंद केजरीवाल 2013 से लोगों को वीआईपी कल्चर के नाम पे भड़काते हैं, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये वीआईपी कल्चर, ये वीआईपी लोगों को नाम इन्होंने दिया है, सच्चाई है। महत्वपूर्ण लोग, महत्वपूर्ण लोगों का आप कैसे परिभाषित करेंगे?